नमस्कार। जेई मेन अप्रैल 2023 अटेम्प्ट के शिफ्ट्स के पेपर शुरू हो चुके हैं और आज पहले दिन के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर लग चुके हैं और बच्चों के रुझान भी शुरू हो चुके हैं। बच्चों के द्वारा मेमोरी बेस्ड जो पेपर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको पीसीपी की एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा एक पेपर के रूप में कंपाइल भी किया जा चुका है। बिल्कुल। तो धीरज सर बताएं कैसे रुझान आ रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के? बिल्कुल, बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि कुछ दिन पहले जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस जारी किया गया था, बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न के पेपर दोनों शिफ्ट में देखने को मिले हैं। कुछ भी नया और चौंकाने वाला डॉक्टर साहब इस बार देखने को मिला नहीं है। चौंकाने वाला नहीं मिला, मतलब जनवरी अटेम्प्ट है उसी के अनुसार चीजें आ रही हैं, तो विद्यार्थियों को इससे एक डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आश्वस्त बिल्कुल भी नहीं रहे, बिल्कुल किसी भी शिफ्ट में चौंकाया जा सकता है। बिल्कुल। तो नीरज सर बताएं, तो क्यों नहीं आप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में जो क्वेश्चंस पेपर सब्जेक्ट वाइज आए उनके पैटर्न के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, देखिए आप। बिल्कुल, अगर सबसे पहले केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में जनवरी अटेम्प्ट की अगर बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट में फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था और आज भी बच्चों ने फीडबैक ये दिया कि केमिस्ट्री इज हाईली एनसीईआरटी बेस्ड, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनका लेवल एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर है, बाकी बच्चों के अनुसार दोनों शिफ्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वेटेज कुछ ज्यादा मिला है, ज्यादा दिया गया। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और जो माइनर टॉपिक्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, उनको भी पूरा सम्मान तवज्जो दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जेई मेन के जो टॉपिक्स थे उसमें जनवरी अटेम्प्ट में भी हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी जेई मेन के टॉपिक्स को खूब तवज्जो दी गई है, हर चैप्टर से जनरली एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा था, लगभग 15-16 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे। अकेले इनऑर्गेनिक वाले ही ले गए? अकेले इनऑर्गेनिक वाले ले गए। फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेक्टर का कोई स्पेशलाइजेशन लगता है? स्पेशलाइजेशन होता है, इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है काफ़ी जी। और फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 7-8 क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट में थे। इवनिंग में ये जो एसिमेट्री थी वो थोड़ी कम हुई है, थोड़ी कम हुई है। इनऑर्गेनिक ज्यादा रही इवनिंग में भी, लेकिन एसिमेट्री कम हुई है। इसी तरीके से फिजिक्स के पेपर की अपन बात करें तो इसको मध्यम दर्जे का पेपर बच्चे बता रहे हैं, मॉडरेट टाइप का बता रहे हैं, और क्वेश्चंस का लेवल बच्चों के अनुसार काफी क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड रहे, फार्मूला बेस्ड थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस भी रहे, थ्योरी भी ज्यादा पूछी गई। बिल्कुल, जनवरी अटेम्प्ट में भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे और बहुत ज्यादा टफनेस थी नहीं, इजी लेवल का था। और सेम पैटर्न पर इस बार है फिजिक्स का पेपर का लेवल की अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर है, फॉर्मूला बेस और थ्योरिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी कोई भी बवंडर देखने को मिला नहीं कि किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए हों या किसी सिमेट्रिकल सा डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। हाँ। लगभग हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ये हैं, इनको भी पूरा तवज्जो सम्मान दिया गया। इनसे भी एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में। तो फिर क्यों नहीं नीरज सर मैथ्स में भी थोड़ा प्रकाश डाल दें, थोड़ा गहरा प्रकाश डाल दें मैथ्स पे? बिल्कुल, मैथ्स में अगर अपन पिछले 3 सालों से बात करें, 2021-22-23, तो हर शिफ्ट में डॉक्टर साहब मैथ्स कहते रहे कि इजी आ रहा लेकिन लेंथ ही आ रहा, टफनेस नहीं है लेकिन लेंथ ही है, बच्चे को टाइम कंज्यूम ज्यादा करना पड़ रहा है। जैसा बच्चों की रिपोर्ट है कि मैथमेटिक्स का पेपर अपने आप में हार्ड नहीं है लेकिन कैलकुलेशन लंबी होने के कारण समय ज्यादा लग रहा है, और कुछ क्वेश्चन का लेवल भी अपने आप में अच्छा है। अच्छा, स्पेशली अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो वेक्टर एंड 3D, बिल्कुल वेक्टर एंड 3D से जनवरी अटेम्प्ट में 12 शिफ्ट में पूरा दिखाया था स्लाइड से कि वेक्टर 3D को बहुत ज्यादा वेटेज मिल रहा है। बिल्कुल, 12 शिफ्ट में टोटल 57 क्वेश्चंस अकेले वेक्टर 3D से पूछे गए थे, यानी ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में वेक्टर 3D के आए थे। सेम पैटर्न आज दोनों शिफ्ट में है, दोनों शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चंस वेक्टर 3D से पूछे गए। जी जी, तो मैथमेटिक्स में भी इस पोर्शन वाले आदमी अपने पोर्शन का थोड़ा वेटेज बढ़ाने की फिराक में लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हर चैप्टर से इक्वल वेटेज था, एक एक दो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी और ज्यादा अनसिमेट्री यहाँ पर देखी नहीं गई। एसिमेट्री नहीं है, बच्चों का कहना है कि पेपर भी कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन लंबी होने के कारण पेपर लेंथ दी जा रहा है, और बच्चा शुरुआत में मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर लेता है तो उसको थोड़ा सा
बर्डन फील हो सकता है, आगे प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बता रहे थे शुरुआत में कुछ क्वेश्चन 60 थे, उसके बाद एकदम इजी क्वेश्चंस भी मिले, बिल्कुल इजी आए। तो ये अपन एग्जाम में बैठे तो कोई माइंड सेट करके नहीं बैठे कि अपने को पहले मैथ्स ही अटेम्प्ट करना है, पहले एक बार थ्रू आउट पूरे पेपर्स को देखा जाए कि कहाँ से इजी लेवल है। स्टार्टिंग एक घंटे में डॉक्टर साहब जैसा जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है बच्चे का प्रेशर उतना रिलीज होता जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर्स जैसे अभी आने वाली शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों के पेपर लगने, मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहें। और उसके साथ ये कहना चाहेंगे कि पेपर का जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कोई टफ क्वेश्चंस का दौर दिख रहा है 2-3 लगातार, तो वहां पे आप ज्यादा रुकने की बजाय थोड़ा सा बिल्कुल उनको स्किप करके आगे चले जाएं। जैसा कि क्रिकेट में होता है डॉक्टर साहब कि अगर कोई टीम स्टार्टिंग में पहले खेलकर स्टार्टिंग के 10 ओवर में बहुत अच्छे रन बना लेती है तो सामने वाली टीम वही प्रेशर में आ जाती है और जो बैटिंग कर रही है वो एकदम जो आने कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आने वाले बैट्समैन फ्री हैंड खेलते हैं। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी लगती है, अगर स्टार्टिंग के एक घंटे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर लिए तो आगे अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो इजिली हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा उस पेपर उस क्वेश्चन के लिए, आपकी अप्रोच भी कॉन्फिडेंस के कारण पॉजिटिव होने लग जाएगी और उस क्वेश्चन को भी आप क्रैक कर डालेंगे। बिल्कुल, बच्चे कहते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं वो प्रेशर से रिलेटेड होता है, प्रेशर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस एरर होती है। डाली है पेपर की क्रिकेट से और जेई के बच्चे तो क्रिकेट देखने के शौकीन भी अच्छे होते हैं, तो आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर आप बहुत अच्छी तरह से करें, जो पैटर्न चल रहा है मोस्टली शिफ्ट्स में वही पैटर्न रिपीट होता है, फिर भी इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार रहें कि किसी भी शिफ्ट में किसी भी सब्जेक्ट में चौंकाया भी जा सकता है। अगर चौंकाने वाली स्थिति रहती है तो चिंता नहीं करें, पेपर का लेवल हार्ड जाएगा तो निश्चित रूप से कम मार्क्स में भी परसेंटाइल अच्छे आएंगे। तो जेई मेन अप्रैल 2023 की बच्ची हुई शिफ्ट्स के सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट।